हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले बात करूंगा मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग सैलरी, कितना सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होता है कि नहीं होता है। जैसे कि आप समझ गए होंगे मैंने थंबनेल में क्या बताया है। तो जैसा कि हम देखते हैं अलग अलग कोर्स करके जाते हैं उसके अनुसार सैलरी होता है, रैंक के अनुसार सैलरी है। ऐसा तो है नहीं कि आप 4 लाख दिए, 5 लाख दिए, 6 लाख दिए, कोर्स किया और स्टार्टिंग से आपको 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए मिलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे अभी नए नए मार्केट में बंदे आए हैं जो जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए 1 महीने में कमाना चाहते हैं, महीने टू महीने 1 लाख रुपए, 1 महीने का पैसा दिया और हमें 1 लाख रुपए मिले, ऐसा नहीं होता है भाई। अलग अलग का अलग अलग कोर्स होता है, कोर्स के अनुसार जैसे जैसे आप एग्जाम दे के रैंक प्राप्त करोगे, अलग अलग प्रमोशन होगा आपका, उस हिसाब से सैलरी होता है। कई कई बंदे हैं बेसिक STCW कर लेते हैं, पैसा एजेंट को पैसा देकर 15,000 का कोर्स लाख लाख रुपए में करके बैठे हैं, वो लाख लाख रुपए कमाना चाहते हैं। लाख रुपए कैसे कमा लोगे तुम यार, 15 दिन का कोर्स करके जीरो नॉलेज लेके आप सिपर कैसे कमा सकते हो। ऐसे ही जीपी रेटिंग वाले बंदे हैं तो ठीक है, वो कर सकते हैं 36 मंथ सेलिंग करके, कोर्स करके एग्जाम दे के 36 मंथ सेलिंग करने के बाद कर सकते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि आपने 5 लाख 4 लाख रुपए दिए और आपको 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए महीने का सैलरी मिलने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर वे से ज्वाइन करोगे तो सबसे अच्छा फील्ड है सैलरी के मामले में, प्रॉपर वे से। अब जैसे बेसिक STCW का कोई मतलब ही नहीं है, एक बेसिक कोर्स है ये, जीपी रेटिंग या DNS करके आप या BSc नोटिकल साइंस करके, ये बेसिक कोर्स है उसके लिए होता है। ये तो सरकार ने चला है, वो डीजी शिपिंग ने चला दिया है तो लोग करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें सही तरीके से कोर्स करना है तो आपको पहले दो जीपी रेटिंग के लिए मैं पहले बात करता हूँ। जीपी रेटिंग के लिए TS रहमान हो गया, NOC मेरीटाइम उड़ीसा हो गई, 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन्हीं इंस्टीट्यूट में जाए जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे कि आप कोर्स का पैसा अलग से दोगे, 2-2 2.5 2.5 लाख रुपए अब एजेंट को देते हो आप, बेसिक STCW ऐसे बंदे देखा हूँ मैं जो बेसिक STCW के लिए भी 2-2 2.5 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें तरीके से कोर्स करो, अब आप 2-2.5 लाख में जीपी रेटिंग कर लो, अब बढ़िया इंस्टीट्यूट से करोगे तो वहीं से प्लेसमेंट मिल जाएगा आपको। वो जैसे TS रहमान और NOC मेरीटाइम एकेडमी है और उड़ीसा, तो ये हर 6 महीने में एग्जाम निकालता है, उसका एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, इतना बेसिक नहीं है, बेसिक लेवल पूछते हैं, वो तो आप तैयार कर ही सकते हो। तो ऐसे प्रॉपर वे से करो। ऐसे ऐसे बंदे देखा हूँ मेरे पास यूट्यूब पे, कोई इंस्टा पे भी मैसेज करता है कि भाई मैंने जीपी रेटिंग कर रखा है कि प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। अरे तो प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं किया इसीलिए प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। अब आप 2-2 साल से घर बैठे हो, इससे अच्छा कहीं छोटी कंपनी से ज्वाइन कर लो, छोटी शिप से ज्वाइन करो। स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए। आप घर जाके बैठ गए, 4-4 साल तक घर बैठे हो, 2-2 साल तक घर बैठे हो, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अब मैं DNS का बात करता हूँ, तो कई बंदे आज 2,000 5,000 बंदे मुंबई में घूम रहे हैं DNS करिए। अरे DNS कर लिया तो आप DNS कर लिया तो घूम क्यों रहे हो, या तो ज्वाइन करो शिप या अदर फील्ड ज्वाइन करो यार। ऐसा नहीं है कि इसमें तुम ज्वाइन करते ही DNS कर लिया, BSc नोटिकल कर लिया तो आपको कोर्स करते ही 3-3 लाख 2-2 लाख मिलने लग जाएंगे, जो मिल इतना आसान नहीं है। आप प्रॉपर वे से स्पॉन्सरशिप लो, बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाओ, बढ़िया इंस्टीट्यूट में, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, IMI हो गया, तो बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट में जाओ। TS रहमान है, TS रहमान भी डिप्लोमा इन नोटिकल साइंस करवाता है। मेरा यही सजेशन है कि आप 3 लाख एक साथ नहीं कमा सकते कि भाई 5 लाख का कोर्स किया और 3 लाख, ऐसे तो हर कोई कर सकता है। आज लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है कि आप 5 लाख 7 लाख रुपए दे के आप इतना पैसा कमा सकते हो कि भाई हर महीने तुम्हें 3 लाख, ऐसा नहीं होता है। वो एग्जाम दे दे के प्रमोशन मिलता है उस हिसाब से होता है, एक साल में नहीं होता है, 6-6 7 साल लगती है, 10 साल भी लग जाता है। सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर बनते बनते कई कई लड़के 4-4 साल तक थर्ड ऑफिसर का एग्जाम नहीं निकाल पाते। DNS करने का ये मतलब नहीं है कि आप सीधा ही इतना इतना पैसा मिलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप रैंक वाइज तरीके से कोर्स करोगे तो 100% पैसा है, ऐसा नहीं है, अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है कि तुम कोर्स के एजेंट को पैसा दे दिया, और ये बेसिक STCW वालों को यही कहना है कि आप बेसिक STCW डायरेक्ट मत करो, आप जीपी रेटिंग या DNS, कम से कम आप जीपी रेटिंग तो कर लो ना यार, 2-2.5 लाख रुपये फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है। जो साइंस फील्ड से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है 12th में, या कॉमर्स वाले बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जीपी रेटिंग कर सकते हैं, और जैसे DNS करना चाहते हैं या BSc नोटिकल करना चाहते हैं तो ये PCM साइंस वाले बंदे जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है 12th में,
वही कर सकते हैं। तो पहले IMU इंटरनेशनल मेरीटाइम एग्जाम का एंट्रेंस एग्जाम दो, स्पॉन्सर कई कंपनियां हैं, स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकालती है, एग्जाम दे के आओ, उनका स्पॉन्सरशिप लो, बाद में आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। बिना स्पॉन्सरशिप करोगे तो कोर्स करने के बाद आप कोर्स के 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे दिए, कोई कोई 8 8 10 10 लाख रुपए भी दे देते हैं, एजेंट के थ्रू आते हैं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने के लिए भी। तो ऐसा मत करो आप, तो सही वैसे करो। और ये जीपी रेटिंग के लिए आप डायरेक्ट DGCP की साइट पे जाके आप इंस्टीट्यूट सर्च करो, सही इंस्टीट्यूट में जाओ, गलत इंस्टीट्यूट में मत जाओ। मेरा यही कहना है कि सीधा 3 3 लाख रुपए सैलरी नहीं मिलता। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।